पांकी के सिंचाई मैदान में श्री श्री 1008 रुद्र महाकाल यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 दिवसीय है। इस यज्ञ के लिए कलश यात्रा में आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश उठाया और सिंचाई मैदान में आकर कलश को रखा। इस मौके पर महाकाल स्वामी अर्जुनानंद भारती ने सफल संचालन की बीड़ा उठाई है। क्षेत्रीय जनमानस के सहयोग से कार्य को संपन्न किया जाएगा तथा राष्ट्रीय संत समागम में दिगंबर नागा संन्यासी तपस्वियों को दर्शन होगा। यज्ञ में झूला, हिंडोला, मीना बाजार, रामलीला, रासलीला एवं यज्ञ नित्य भंडारा भी किया जाएगा। हमारे झारखंड न्यूज में सारे दर्शकों को जोहार। आज 1008 रुद्र महाकाल यज्ञ सिंचाई मैदान में शुभारम्भ होने वाला है। आज जो है ऐसे कलश यात्रा है। कलश यात्रा में आप देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में महिलाएं और लड़कियां कलश लेकर खड़ी है, लाइन में खड़ी है। ये जगह बहुत ही अच्छा ही देख रहे हैं। तो हम एक कलश यात्रा से महिला से पूछते हैं, आप कलश यात्रा लिए हुए हैं, इसमें आपको क्या कहना है? बहुत ही अच्छा होता है, इसको लेने से बहुत पुण्य मिलता है और हर एक को लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हम कहाँ जा रहे हैं? बोलिए। जहाँ सुनरैया और सुनरैया से फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, लालू मैदान आएंगे, फिर वापस लौटेंगे। तो आपको कलश यात्रा लेने में भगवान पर कितना विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रही है। ठीक है, उसके बाद वापस लौटेंगे। तो ये जो जग है, आप जग पर कितना विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास है कि जग सभी को भलाई देगी, अकाल से दूर करेगी। हैं, तो महाकाल बार बार हो रहा है, क्योंकि जग का नाम भी रखा गया है ना, जग महाकाल। क्या ठीक है, धन्यवाद। नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जंतुओं का कल्याण का कारण बनता है। इससे विश्व की रक्षा, सुरक्षा एवं धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। यज्ञ से वायुमंडल के समस्त वातानुकूलित करते हुए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यज्ञ विद्यमान कराती है। यज्ञ से ही संपूर्ण जीवों का कल्याण और यज्ञ से ही संपूर्ण जीवों का जन्म होता है। यज्ञ से ही वृष्टि होती है, यज्ञ से बादल बनता है। अन्नादि भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञो भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है, धन्यवाद।